हेलो भाई साहब, तो हम चल दिया भाई आगरा। मैं और टीकम भाई साहब, तो हम जा रहे हैं भाई आगरा, ठीक है। तो अभी हम खड़ा हैं हमारे गांव का नुक्कड़ पर, हमारी मोटरसाइकिल खड़ी है वहाँ, और हम चल रहे हैं आगरा। और हमारे साथ थोड़े तो आ रहे हैं, उनके साथ जाएंगे हम, वे हमारे साथ ही जाएंगे, ठीक है। तो भाई आपको भी आगरा चलना है, तो आपको भी हम साथ साथ आगरा घुमाएंगे, ऐसी कोई बात ना है। तो फिलहाल है हम हमारे गाँव में नुक्कड़ पर, यहाँ से हमारा साथ लड़का रहा है, बाइक से जाएंगे आगरा, ठीक है भाई। ए, हमारा हरिओम बाइक है रहा, हम बाइक की सर्विस कराएंगे आगे, लेते इनकी बाइक खत्म होने वाली है। लख मनु जी बोल रहे हैं, चल मोहित चलो चलो चलो। तो पीछे आपने देखा था रोड खराब था, अभी नगर वाला रोड है, और रोड की आप सीनरी देख सकते हो, चारों दोनों बगल को पेड़ है, और ये पेड़ है आपको काफी पेड़ है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नगर, और ये नगर सामने वाला नगर का चौराया है, मेन सर्कल नगर में, जो कि मेन सर्कल है। और रोड आप देख सकते हो कितना खराब रोड है, यहाँ से एक रोड भरपूर जाता है, और एक हम यहाँ पे कई रोड जा रहे हैं, जो एक रोड नगर जा रहा है, हम जा रहे हैं भरतपुर रोड पर, ये रोड भरतपुर वाला है, हम जा रहे हैं भरतपुर रोड पर, इसी रोड पर, तो ये भरतपुर रोड है, तो हम चल दिए सीधा भरतपुर की तरफ। यहाँ पे हम रुके हैं, तो गाइस यहाँ पे इंजन चल रहा है, हमारे साइड तो पानी 1000 फुट पे भी ना है, और यहाँ 150 फुट पर पानी। भाई साहब आगे जा रही गैस की गाड़ी, जो हमारे को आगे ही ना निकलवा दे रही। ठीक का गेट आ चुका है, हम ठीक प्रेस करने जा रहे हैं, देखते हैं आप सीधी कितनी गजब है यार। दिस इज जल महल, ऐसे लियो नीचे से लेके, तो जल महल का व्यू आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये जल महल का पीछे का महल है, दो रास्ते जा रहे हैं भाई, भाई भाई क्या कर रहे हैं, अपना डीग प्रशासन जिला। तो दोस्तों डीग से हम निकल रहे हैं, कचोरी खाइए, ये अंकल बना रहे यूपी का माल, फेवर माल कचोरी 20 रुपए की दो। क्या नाम दुकान अंकल जी? दुकान का नाम क्या भाई साहब? ढोंगी कचोरी वाले तुम्हारा, ये ढोंगी कचोरी वाले भाई, जब भी यहाँ गोवर्धन आइएगा अंकल जी कचोरी जरूर खाना। हाँ ढोंगी वाले की दुकान यही है, और छोटी पर कम में यहाँ से जा रहा रास्ता। राधे राधे, जब भी यूपी आएगा गोवर्धन अंकल जी जरूर मिलेगा। जय गोवर्धन महाराज की जय हो। ये करो ये, तो ये देखो पूरा जा कोर्ट में ना ना, मैं सही हूं। तो क्या नाम है इसका, कई नाम है आपको? डोंगी साहब नहीं, यहाँ को नाम कहीं है, ये भाई कोई घोड़ा की बंसी बताई। हरिओम नमः शिवाय, पूरे कंटेंट में यहाँ पर मिल गया है, बताइए सर को बार बार यही दिखाना चाह रहे हैं, आखिर वो कह रहा है। श्री गिरधारी महाराज का मंदिर ये रहा था, वृंदावन वाले क्षेत्र में आ चुके हैं हम,
जो यूपी से तक है रविंदर कैसे देख लो ब्रजवासी मिष्ठान भंडार। तो दोस्तों आगे निकल चुके हैं, हमको गोवर्धन से आगे निकल चुके हैं, हम मथुरा वाले रोड पे आ चुके हैं। अब सीधा यहाँ से आगरा 80 किलोमीटर है, तो अब सीधा आगरा जा रहे हैं। काफी लंबा मतलब 2 घंटे का सफर है कम से कम। तो काफी तेजी से देखी होगी, और ये चर्चिस का आप देख सकते हो बैक स्टाफ किस प्रकार हिल रहा है, और ये हिंदुजा ग्रुप की चर्चिस है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मथुरा, और ये ऊपर वाला रास्ता है जो आगरा की तरफ जा रहा है, तो हम ऊपर की तरफ जाने वाले हैं कुछ ही देरों में। ट्रैफिक इज वेरी हाई, ऐसी कोई चीज नहीं मिली जहाँ ट्रैफिक और रोड का काम नहीं चल रहा हो, या ऊपर से नहीं चल रही। दोस्तों आगरा हाईवे इस साइड, अब चल चुके हैं हम सीधा आगरा की तरफ, और आगरा यहाँ से 58 किलोमीटर है, मतलब 58 किलोमीटर यहाँ से आगरा है, आप लगभग 60 मान सकते हैं। और ये है मथुरा, मथुरा बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही बेहतरीन, कोई जवाब नहीं है इसका। और ये यूपी का विकास छलक रहा है यहाँ पर सड़कों को देखकर, साफ ही दिख रहा है। हम कह सकते हैं कि यूपी में विकास हो रहा है, बहुत ज्यादा विकास हो गया है यहाँ पर। ट्रैक्टर, और इसके साथ आपको ट्रैक्टर दिखाते हैं जिसमें पूरा बड़ा हुआ है, सोनालिका का पावर ट्रैक्टर। ये रहा मथुरा शहर, दो का आगरा, सीधा आगरा के लिए हम जाएंगे। हमारे फ्रेंड्स का इंतजार कर रहे हैं, तो इस पुल के ऊपर और हम निकलेंगे, अभी वेट करते हैं तन में। दोस्तों ये जा रहा है दिल्ली हाईवे ऊपर की तरफ, और इधर देखे तो ये आगरा रोड। तो आप बताइए किस तरफ जाना चाहिए हमको। ले बढ़ा दे। क्या है ये? जय गुरुदेव लिख रहा है, और लक्षात मिल रहा है नहीं। तो दोस्तों आगरा तो हम पहुंच चुके हैं, कोई ताजमहल की कोई निशान आया जाने खाए ताजमहल। ये यमुना नदी, हम आगरा से 9 किलोमीटर आगे निकल चुके थे, अब वापस जा रहे हैं बैक साइड में। तो दोस्तों ये रोड जा रहा है ताजमहल की तरफ, और ये यमुना नदी का पुल आ चुका है, और यमुना नदी का दर्शन करा देते हैं हम आपको। ये है आपकी यमुना। तो भाई पहुंच गए हैं ताजमहल के रास्ते पर, यहाँ से 1 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ेगा। ये जो रास्ता है दोनों साइड से जाता है,
अपन तो ना आगे जाने कहीं मिले वो डिब्बा सामने जा रहा है। और ये देखिए अभी दूर तो दोस्तों आगरा के अंदर ताजमहल में एंट्री हो चुकी है हमारी, देख सकते हो कुछ इस प्रकार व्यू है यहाँ का, काफी लोग हैं कैमरा भी है हैं और पूरी टीम हमारी ये रही। हाँ ये रहे ना कैमरा वाला, भीड़ देखो कितनी भयंकर है। तो दोस्तों क्या है ताजमहल बिल्कुल मार दूंगा, एक लिए फोटो ऐसे एक मिनट